नमस्कार, मैं रुचिका राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क से। आईपीएल में दिल्ली ने चेन्नई को हराया। आईपीएल के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने धोनी की चेन्नई सुपर किंग को 7 विकेट से हरा दिया। ओपनर शिखर धवन ने 54 गेंद पर 85 रन और पृथ्वी शाह ने 38 बॉल पर 72 रन बनाकर जीत की राह आसान की। कैप्टन ऋषभ पंत 8 गेंद शेष रहते दिल्ली को जीत दिला दी। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन बनाए। सुरेश रैना ने 36 गेंद पर सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। दिल्ली में नए बंदिशे, बसों में आधी सीटों पर सफर, शादी में 50 से ज्यादा नहीं। महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में शनिवार रात नई पाबंदियां लगा दी गई। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। बसों में 50% सवारी के साथ ही सफर की इजाजत होगी। पहले सभी सीटों पर बैठकर सफर कर सकते थे। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक जमावड़े पर रोक होगी। स्विमिंग पूल भी बंद होंगे। स्टेडियम में खेल बिना दर्शकों के होंगे। महाराष्ट्र से हवाई यात्रा के जरिए दिल्ली आ रहे लोगों के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। डीडीएमए के ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। बंगाल में हिंसा का चरण, सीआईएसएफ की फायरिंग में गई 4 जाने। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 4थे चरण में शनिवार को कुछ बिहार में बड़ी हिंसा हुई। इसमें 5 की जान गई, 4 की मौत सीआईएसएफ की फायरिंग में हुई। इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे की चुनाव आयोग से शिकायत की। आयोग ने रिपोर्ट तलब की और शीतलकुची के पोलिंग बूथ पर वोटिंग डाल दी जहां फायरिंग हुई। बंगाल सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। पत्नी को सरेआम चाकू घोंपकर मार डाला। दिल्ली के रोहिणी में एक शख्स ने शनिवार की दोपहर पत्नी को सरेआम चाकू से गोद गोद कर मार डाला। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी हरीश मेहता पत्नी नीलू को सड़क पर चाकू से वार पर वार किए जा रहा है और इस दौरान गुजर रहे लोगों को पास न आने की धमकी भी दे रहा है। घटना बुद्ध विहार इलाके की है। पुलिस ने हरीश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हरीश नीलू पर सफदरजंग में नौकरी छोड़ने का दबाव डाल रहा था। नीलू ने इनकार किया तो हरीश को शक हुआ कि उसका किसी और के साथ संबंध है। इसी बात पे झगड़ा होता था। बिहार के एसएचओ को बंगाल में मार डाला। बाइक लूट की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर गए बिहार के एक एसएचओ को भीड़ में मार डाला। पुलिस अफसर अश्विनी कुमार किशनगंज में थाना प्रभारी थे। दरअसल अपराधियों ने भड़का दिया कि बिहार पुलिस चुनाव में दखल अंदाजी करने आई है। यह सुनकर भीड़ ने हमला कर दिया। छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ब्लेड से हमला। नॉर्थ ईस्ट जिले के वेलकम इलाके में एक मकान में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर ब्लेड से हमला कर दिया गया। इसमें साउथ जिले के स्पेशल स्टाफ के 2 पुलिसकर्मी, हेड कांस्टेबल राजीव त्यागी और सिपाही तेज नारायण जख्मी हो गए। आरोपी ने खुद को भी ब्लेड मारकर जख्मी कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी अनवर को गिरफ्तार कर लिया है। बाहर से ताला, अंदर चल रहा था डांस बार। दिल्ली नाइट कर्फ्यू की चिंता किए बिना राजौरी गार्डन थाना इलाके में डांस बार चलाया जा रहा था। यह डांस फ्लोर पर लड़कियां नाच रही थी और रेस्टोरेंट में आए कस्टमर की भीड़ जमा थी। पुलिस ने यह छापा मारकर 4 महिलाओं समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया। निगम बोध घाट में सबसे ज्यादा कोरोना मृतक का अंतिम संस्कार। पिछले सालों से लेकर अब तक दिल्ली में कोरोना से जितने लोगों की मौत हुई है उसमें से करीब 28% डेड बॉडी का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया। नॉर्थ एनसीडी मेयर जयप्रकाश व साउथ एमसीडी के नेता सदन नरेंद्र चावला के अनुसार दिसंबर के अंत तक साउथ एमसीडी एरिया के 6 शमशान घाटों पर 5,397 कोरोना मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। पैसों के झगड़े से सौतेली मां को चाकू से गोद कर हत्या, घर में मिली लाश। रोहिणी इलाके में पैसों को लेकर हुए झगड़े में एक बेटे ने अपनी सौतेली मां की हत्या कर दी। मृतका की पहचान सकीला उर्फ मुन्नी के तौर पर हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मुस्तफा को हिरासत में ले लिया है। 2 विदेशी कप्तान की पहली टक्कर।
आईपीएल में दो टीम ही ऐसी है जिसके कप्तान विदेशी हैं। सनराइजर हैदराबाद की कमान ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर के हाथों में है, तो कोलकाता की अगुवाई इंग्लैंड के विश्व विजेता कप्तान योन मार्गन कर रहे हैं। मार्गन को पिछले सीजन के बीच में ही दिनेश कार्तिक की जगह टीम की कप्तानी सौंपी गई थी। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही रोमांचक और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क।